नमस्कार, मैं जनप्रता शिवम गौतम और आज जिस तरीके से हमने सुबह आपको बताया था कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले नौटंकी की क्योंकि वो भी खिसियाया हुआ था और उसके बाद अब नौटंकी करने की बारी उसकी बहन प्रियंका वाड्रा की। दरअसल आज प्रियंका वाड्रा लखनऊ में एक उस दंगाई के मिलने जा रही थी जो गिरफ्तार किया गया था पुलिस के द्वारा, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर कई ऐसी पोस्ट डाले थे जिससे लोगों को दंगा भड़काया गया था और उससे मिलने जाते हुए पुलिस ने प्रियंका वाड्रा को रोकने की कोशिश की। उसके बाद प्रियंका वाड्रा ने नाटक किया और उसने मीडिया वालों के सामने ये बयान दिया कि पुलिस ने मेरा गला दबाया है, मुझे ज़मीन पर गिरा दिया और मुझे स्कूटी पर बैठकर यहाँ से आगे जाना पड़ा। लेकिन जब वो प्रियंका वाड्रा ऐसी बातें कह रही थी तब उसके चेहरे पर हंसी साफ झलक रही थी और इससे समझा जा सकता है कि उसको जो बताया गया था कि ऐसी नौटंकी करनी है, वो नौटंकी के डायलॉग तो सही बोल रही थी लेकिन उसके अनुसार जिस तरीके से चेहरे की भाग भंगिमाएं होनी चाहिए वो उनको करने में नाकामयाब रही थी, यानी कि वो सही एक्टिंग करने मैं कामयाब नहीं रही। और ये नेहरू गांधी परिवार का ये पुराना सबब रहा है कि ये लोग एक्टिंग भी सही नहीं कर पाते हैं, बोलते कुछ हैं और इनका चेहरा, इनकी आंखें कुछ और ही भेद खोल देती हैं। हालांकि प्रियंका वाड्रा को पुलिस ने रोका इसलिए था क्योंकि उसके साथ तमाम लोगों को वो ले जा रही थी दारापुरी नाम के शख्स से मिलने के लिए और उसके बाद प्रियंका वाड्रा ने ड्रामा किया कि पुलिस मुझे इसलिए रोक रही है, पुलिस कायर है, पुलिस नहीं चाहती कि मैं निर्दोष लोगों की आवाज़ उठाऊँ, उनसे मुलाकात करूँ। और प्रियंका वाड्रा ने यह भी बयान दिया कि जो दंगों के नाम पर जो लोग पकड़े गए हैं, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी पकड़े गए हैं, वो गांधीवादी तरीके से अहिंसा के साथ प्रदर्शन कर रहे थे और लोगों को अहिंसा पूर्वक प्रदर्शन कराने की बात कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन सभी को पूरे प्रदेश में जिस तरीके से गिरफ्तार किया वो बहुत शर्मनाक है। अब आप समझ लीजिए कि आप ही नहीं पूरी दुनिया ने उन दंगों की तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से ये प्रियंका के शांति पूर्वक प्रदर्शन करने वाले शांतिदूत भाई लोग किस तरीके से पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे, उनको गोली चला रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, आग लगा रहे थे, पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर रहे थे, बसों को जला रहे थे और तो और स्कूली बच्चों की बसों को भी रोका गया, उन पर पत्थरबाजी की गई और बहुत ज़्यादा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया। लेकिन प्रियंका वाड्रा और उसकी माँ सोनिया और उसके भाई अधेड़ उम्र के युवा राहुल गांधी को ये सभी के सभी शांति दूत नजर आ रहे हैं और प्रियंका तो इनको शहीद का दर्जा देने से भी पीछे नहीं हटती है। इन लोगों की ये मानसिकता है क्योंकि प्रियंका की जो नानी थी वो मुसोलिनी की जो यंग आर्मी हुआ करती थी या यंग उसका एक ग्रुप था उसकी मेंबर थी और मुसोलिनी की जो सोच थी वो फांसीवाद था, नाजिज्म हिटलर की सोच थी और मुसोलिनी की सोच फांसीवाद थी जिसमें हिंसा को भी उनका एक शांतिपूर्ण हथियार माना जाता है। प्रियंका वाड्रा ने इसी को लेकर एक ट्वीट भी किया और उसमें कहा कि पुलिस ने मेरा गला दबाने की कोशिश की है, ये शर्मनाक हरकत है और ये पुलिस डर गई है, पुलिस कायराना हरकत कर रही है, मोदी सरकार डर रही है मेरे से, योगी सरकार डर रही है। और आगे प्रियंका कहती है कि मैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता, भाजपा सरकार ये तय नहीं करेगी कि मैं कहाँ जाऊँगी। शायद प्रियंका को ये इल्म हो गया है कि शायद वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की प्रभारी होने से सभी कानूनों से ऊपर हो गई है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होने पर पुलिस उसको रोक नहीं सकती क्योंकि वो राजसी खानदान से ताल्लुक़ रखती है। और यही वजह है कि इन लोगों ने जब SPG हटाई गई थी तब भी बहुत ज़्यादा स्यापा किया था, बहुत ज़्यादा रोना पीटना किया था, लेकिन सरकार ने गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर इन लोगों से SPG की सुरक्षा छीन ली और उसके बाद अब ये जो सारा नाटक किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है कि कांग्रेस इसको दिखाना चाहती है कि उसकी सुरक्षा में चूक हो रही है, लिहाजा प्रियंका वाड्रा को दोबारा से SPG दे दी जाए। लेकिन आज ही एक और नौटंकी सामने आई जब प्रियंका वाड्रा एक कांग्रेस के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बैठी हुई थी, एक सरदार जी आए और प्रियंका वाड्रा के पास पहुंच गए, उसके बाद सुरक्षा अधिकारी जब उस व्यक्ति को हटाने लगे तो प्रियंका वाड्रा ने उसको गले लगाया और अपने पास बिठाकर बातचीत की। यानी कि ये लोग जानबूझकर इस तरीके की घटनाएं करते हैं कि लोगों में संदेश ये जाए और उसके बाद अखबारों ने, टीवी चैनलों ने ये न्यूज़ बना दिया कि प्रियंका की सुरक्षा में भारी चूक, जबकि ये सब सोची समझी रणनीति के तहत स्क्रिप्टेड होता है और इसके द्वारा ये चर्चा में आने के खेल किया करते हैं। आज कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है, उसी कांग्रेस का जिसकी स्थापना एलन ऑक्टोवियो ह्यूम ने की थी जो स्कॉटलैंड का निवासी था और अंग्रेजी सरकार में एक IAS अधिकारी रहा था और वो बहुत ज़्यादा कुख्यात था लोगों पर अत्याचार करने के लिए।
उसने 72 थियोसोफिकल सोसाइटी के मेंबर्स को लेकर एक समूह बनाया था, एक और एनजीओ बनाया था जिसका नाम उसने रखा था इंडियन नेशनल कांग्रेस। और बाद में उस कांग्रेस में तमाम ऐसे राष्ट्रवादी नेता शामिल हुए कि उसकी दिशा बदल गई और वो जो संगठन बना था अंग्रेजों की हेल्प के लिए, क्योंकि ये बना था लॉर्ड डफरिन जो कि उस समय का तत्कालीन वायसराय था उसके निर्देशन में, तो कोई भी वायसराय अपने खिलाफ आज़ादी की जंग लड़वाने के लिए तो संगठन नहीं बनाएगा। तो जो दावा कांग्रेस करती है कि यह कांग्रेस आज़ादी के लिए बनी थी, निश्चित तौर पर झूठा है। हालांकि बाद में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे लोगों ने इस कांग्रेस की दिशा को बदल दिया और इसको जो एक अंग्रेजों का पिट्ठू संगठन था उससे राष्ट्रवादी संगठन बनाने में इसमें योगदान दिया। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे, मदन मोहन मालवीय जी जैसे लोगों ने इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया। लेकिन आज़ादी के बाद जिस तरीके से इस पूरी की पूरी कांग्रेस पर नेहरू गांधी खानदान का अवैध कब्जा हो गया, उससे आज जो कांग्रेस है वो वास्तव में वो वाली कांग्रेस नहीं है जिसमें बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग या मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग रहे थे, बल्कि ये इंदिरा कांग्रेस है। और इसकी हकीकत ये भी है कि आज़ादी के बाद अब तक 18 लोग इसके अध्यक्ष रहे हैं जिनमें से 14 लोग बाहर के हैं और उनका जो कार्यकाल है वो मुश्किल से 30 साल है, जबकि 4 लोगों का कार्यकाल 40 साल यानी 39 साल रहा है, जिनमें सबसे ज़्यादा सोनिया गांधी 19 साल इसकी अध्यक्ष बनकर बैठी रही। और इसके लिए इसने जो पार्टी के बायलॉज थे उसमें फेरबदल किया। उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो आता है 7 साल इंदिरा गांधी का, 6 साल राजीव गांधी का और 5 साल नेहरू का इसमें आता है, उसके बाद 2 साल राहुल गांधी इसका अध्यक्ष रहा है। तो आप समझ लीजिए कि जिस कांग्रेस को ये पार्टी बताने की, एक आंदोलन बताने की कोशिश करते हैं, वो वास्तव में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिस पर नेहरू गांधी खानदान का कब्जा हो चुका है पिछले 50-60 सालों में। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज और एक चिदंबरम की, जो कांग्रेस का नेता है, अभी पिछले दिनों 100 दिन से ज़्यादा जेल में रह के गया है आया है। आज उसने आर्मी चीफ का जो बयान उन्होंने दिया था कि लीडर वो होते हैं जो देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सच्चे राह पे लोगों को ले जाने का काम करते हैं, बल्कि वो नहीं होते जो स्टूडेंट्स को भड़काकर यूनिवर्सिटी से बाहर ले जाकर आगजनी की घटनाएं कराते हैं और तोड़फोड़ की कार्रवाई कराते हैं। चिदंबरम ने आज जनरल बिपिन रावत के ऊपर एक शर्मनाक बयान दिया। उसने कहा कि वो आर्मी चीफ है, आर्मी का काम करें, राजनीति हमारे लिए छोड़ दें, राजनीति में दखलंदाजी न करें, क्योंकि जब युद्ध की स्थिति होती है तो हम भी उनसे नहीं कहते कि आप युद्ध ऐसे करिए, तो राजनीति वो न करें और राजनेताओं के इशारे पर प्रवक्ता बनने की कोशिश न करें। ये वही चिदंबरम है जिसने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी दी थी, जिसको लेकर अभी पिछले दिनों डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि कांग्रेस की साजिश थी जो पाकिस्तान के साथ इन्होंने रची थी। और उसके बाद जिस तरीके से 10 साल के मनमोहन सिंह के कार्यकाल में चिदंबरम ने वित्त मंत्री और गृह मंत्री रहते हुए भारत सरकार को इतना नुकसान पहुँचाया, तमाम भारत की जो आर्थिक खजाने को, जो कि जनता का पैसा था, उसको लुटवाने में मदद की, और आज वो आर्मी चीफ पर सवाल उठाने की हिमाकत कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि इस समय वो जमानत पर बाहर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ आज जो कांग्रेस का पूरा नाटक उत्तर प्रदेश में हुआ उसको लेकर अब मायावती ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल दिया है। मायावती ने ये कहा है कि कांग्रेस जो कह रही है कि आज उसका स्थापना दिवस है और भारत में भारत बचाओ, संविधान बचाओ के नाम पर वो इसको मना रहे हैं, इस मौके पर दूसरों पर चिंता व्यक्त करने के बजाय कांग्रेस स्वयं अपनी स्थिति पर आत्मचिंतन करती तो ज़्यादा बेहतर होता, जिससे निकलने के लिए उसे अब किस्म किस्म की नाटकबाजी करनी पड़ रही है। यानी मायावती ने भी आज प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, सोनिया गांधी का जो कार्यक्रम है उनको नाटकबाजी बताया। आगे मायावती ने कहा कि भारत बचाओ संविधान बचाओ की याद कांग्रेस को तब क्यों नहीं आई जब वो सत्ता में थी और जनहित की घोर अनदेखी कर रही थी, जिसमें दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों को भी उनका संवैधानिक हक नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण ही हमने BSP बनाई थी। मायावती ने याद दिलाया कि कांग्रेस के जमाने में किस तरीके से लूट खसोट हुई थी, कांग्रेस ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ाया था और संविधान तोड़ने का काम कांग्रेस ने ही शुरू किया था, जिसको बाद में इंदिरा से लेकर राजीव ने और बाद में फिर सोनिया के नेतृत्व में मनमोहन सिंह ने काफ़ी आगे बढ़ाया था, जिसको इंदिरा से लेकर राजीव ने और बाद में सोनिया के नेतृत्व मनमोहन सिंह ने भी आगे बढ़ाया था। निश्चित तौर पर कांग्रेस पर चौतरफा हमले हुए और इसी कड़ी में अब पूर्व वायुसेना प्रमुख BS धनोवा ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब 26/11 का हमला हुआ था 2008 में, उसके बाद वायुसेना ने तत्कालीन सरकार से संपर्क किया था और ये कहा था कि हमें पता है पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन कहाँ कहाँ चलते हैं, कहाँ कहाँ आतंकियों के कैंप चलते हैं,
लेकिन सरकार ने हमें परमिशन नहीं दी थी, नहीं तो हम एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को तगड़ा झटका दे सकते थे। उन्होंने कहा कि ये जो फैसले होते हैं वो राजनीतिक होते हैं, सेना या वायुसेना इसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो सिर्फ अपनी राय दे सकती है और उस राय को नज़रअंदाज कर दिया था तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, चूंकि उनके ऊपर जो कंट्रोल था वो मुसोलिनी की से जो साथ काम करने वाली एक महिला की बेटी सोनिया गांधी के हाथ में था, जिसका बाप केजीबी के एजेंट था और हिटलर की सेना में भी रहा था। निश्चित तौर पर ऐसे लोग देश के बारे में नहीं सोच सकते, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोच सकते हैं और इसी का नतीजा है कि आज भी अगस्ता वेस्टलैंड का मामला हो, नेशनल हेराल्ड का मामला हो, 2G का मामला हो या दूसरे तमाम A to Z तक के जितने भी नाम होते हैं उन सभी पर घोटाले करने का मामला हो, उन सभी में सोनिया गांधी कटघरे में खड़ी हुई है, उसका बेटा कटघरे में खड़ा हुआ है, उसका दामाद कई मामलों में जमानत पर चल रहा है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग देश को गुमराह करने का काम करते हैं, क्योंकि ये इस देश से कोई संबंध नहीं मानते अपना, सिर्फ दिखावे के लिए नौटंकी करते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि वो भारत माता के लिए सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे निष्ठावान हैं, लेकिन कितने निष्ठावान हैं वो इनके व्यवहार से समझा जा सकता है। और यही वजह है कि जनता ने पिछले 2 चुनावों में इनको इनकी औकात दिखा दी है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग कांग्रेस के नाम पर नौटंकी करके अपने आप को दोबारा से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। सोनिया गांधी ये चाहती है कि उसका खोटा सिक्का यानी कि राहुल गांधी, जिसे ज़्यादातर लोग भारत के पप्पू मानते हैं, उस पप्पू को वो पहलवान बनाने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ वो चाहती है कि अगर पप्पू पहलवान न बन पाए तो उसकी बेटी जरूर प्रिंसेस बन जाएगी, इस कोशिश में ये तीनों माँ बेटे लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल का जीजा भी ताल ठोक रहा है, चुनाव के लिए उसने कोशिश की थी लेकिन इस बार उसे नहीं लड़ाया गया, हो सकता है कि अगली बार वो भी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कूद पड़े। लेकिन देश की जनता अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, अब सोशल मीडिया का जमाना है, अब केवल कुछ टीवी चैनलों का एक अधिकार नहीं है कि वो कुछ भी खबर परोसेंगे और जनता उसको सीधे तौर पर हजम कर लेगी। आज जनता सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, वो हर खबर को वेरीफाई करती है और सोशल मीडिया का जो आजकल काम ज़्यादातर रह गया है वो है कि बड़े चैनलों बड़े अखबारों की जो झूठी खबरों का पर्दाफाश करना, उनको कटघरे में खड़ा करना और उनकी सच्चाई पब्लिक के सामने लाना। इसलिए आज हम आपके सामने ये सच्चाई रख रहे हैं कि किस तरीके से प्रियंका वाड्रा ने आज नाटक किया, मायावती ने किस तरीके से उसके ऊपर हमला बोला और चिदंबरम ने किस तरीके से आर्मी चीफ के ऊपर सवाल उठाए, उसके बाद किस तरीके से बीएस धनोबा ने सच्चाई खोली कि तब की मनमोहन की सरकार ने 26/11 के हमले के बाद, 26/11 की घटना के बाद में सेना वायुसेना को ये इजाज़त नहीं दी थी कि वो पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी कैंपों को उड़ा सके। जय हिंद, जय भारत।